आज हम पुनकल गांव में पद्मा माँ के खेत पर अग्नि आश्रम बनाने की विधि सीखने के लिए आए हुए हैं। नमस्ते पद्मा माँ जी, आप कैसी हैं? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। हमने सुना है कि आपने अग्नि आश्रम बनाया है। आप हमें आज इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे? जरूर। अग्नि आश्रम क्यों बनाते हैं? इसका प्रयोग ताना छेदक और फल छेदक कीट पर नियंत्रण करने के लिए करते हैं। अग्नि आश्रम बनाने के लिए कौन सी सामग्री की जरूरत होती है? 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो तंबाकू, आधा किलो लहसुन, 5 किलो नीम पत्ता और आधा किलो हरी मिर्च। अब हम अग्नि आश्रम बनाने की विधि देखते हैं। जरूर। 10 लीटर गौमूत्र एक गड्ढे में ले लें। पादलीटा दीदी, अगर गौमूत्र नहीं हो तो क्या करना चाहिए? अगर गौमूत्र है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो हम किसी भी मवेशी के मूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप इसमें कौन कौन सी सामग्री डालेंगी? 5 किलो पिसा हुआ नीम पत्ता मिला दें। 5 किलो नीम को मिला देंगे। अब क्या मिलाना है? अब आधा किलो पिसी हुई हरी मिर्च मिला दें। इसके बाद क्या मिलाना है? इसके बाद आधा किलो पिसा हुआ लहसुन मिला दें। अब लहसुन के बाद फिर क्या मिलाना है? 1 किलो तंबाकू का पाउडर मिला दें। सभी सामग्री मिलाने के बाद क्या करना होता है? इसे एक लकड़ी से अच्छे से मिला लें। ठीक है, इसे अच्छी तरह मिलाना है। अब घड़ा को ढक दे और इसको अच्छे से गरम करें। ये ध्यान दे कि ये उबल जाए और घड़े से कम 4 बार उबलकर बाहर निकले। अब ये अच्छे से उबल गया है। हम इसको चूल्हे से निकालेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं? हमें इसको ठंडा होने के लिए 2 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। उसके बाद इसको पतले कपड़े से छान लेते हैं।
इसका प्रयोग कैसे करते हैं? 2 लीटर अग्नास्त्रम को 100 लीटर पानी में मिला ले। इस घोल को हम 1 एकड़ खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रयोग किस तरह के कीट पर कर सकते हैं? इसका प्रयोग हम ताना छेदक और फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। अच्छा, ताना छेदक या फल छेदक, हमें इसे इस्तेमाल करने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हमें इसका छिड़काव कीट के प्रकोप की तीव्रता को ध्यान में रख के करना चाहिए। ज्यादा छिड़कने से फसल सूख या मुरझा जा सकता है। इसे कितने दिनों तक रख सकते हैं? हमें इसे 3 महीने तक रख सकते हैं। अग्नास्त्रम के इस्तेमाल से हम कीटनाशक पर खर्च को कम कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अग्नि आश्रम बनाने की जानकारी देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।